नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुल है। आप देख रहे हैं हिमाचल के इन खूबसूरत वादियों के बीच माउंटेन जर्नी। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं गिरी गंगा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में। तो आज के इस ब्लॉग में हम लेके जाएंगे आपको गिरी गंगा। तो दोस्तों, आपने गिरी गंगा का नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं गिरी गंगा तरफ और वहाँ की हम आपको खासियत बताएंगे क्यों गिरी गंगा कहा जाता है और वहाँ की क्या विशेषता है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को आप देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत करना। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो इसको कर देना शेयर। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस ब्लॉग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम जंगल में हैं और आधे रास्ते में। तो आप देख सकते हैं यहाँ की प्राकृतिक और नेचर काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इतनी शांत सी जगह, ऐसी शांत सी जगह कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल हरियाली है और पेड़ देख सकते हैं कितने पुराने हैं। लगभग ये आप देख सकते हैं हज़ारों साल पुराने पेड़ हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं गिरी गंगा तरफ। तो दोस्तों, खड़ा पत्थर से लगभग 8 या 9 किलोमीटर दूर है गिरी गंगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बाइक खड़ा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ के कैसे जंगल है और इस जंगल के बीचों बीच रोड है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रोड भी ठीक है, लगभग इतना ख़राब भी नहीं है। तो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर है, हम पहुंच चुके हैं गिरी गंगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा लेता हूं। दोस्तों, जैसे ही हम यहां पे पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है मंदिर परिसर में जूते लेकर जाना मना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जूते लेकर जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। और यहाँ पे जैसे मंदिर में हम अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं मंदिर जो बना है बिल्कुल पत्थर का ही है। तो आप देख सकते हैं इसके जो मंदिर है यहाँ पे चारों तरफ पानी है और ये आपको पानी दिखा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ का नाम गिरी गंगा क्यों पड़ा। तो यहाँ पर कई हज़ारों साल पहले महर्षि तपस्या करने आए थे। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे जैसे ही वो पहुँचे तो यहाँ पे उनके हाथ में एक लोटा था जिसमें वो पानी भरे हुए थे। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे पहुँचे और उनके हाथ से वो लोटा गिर गया और उसके अंदर पानी था। तो वो जैसे ही वो लोटा गिरा और उनके मुंह से निकल गया गिरी गंगा। तो तब से ये यहाँ पे गिरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऐसी शक्तियाँ हैं और ऐसे ही कई इस स्थान पे मंदिर देख सकते हैं आप। मंदिर काफ़ी विशाल और काफ़ी पत्थरों से चिनाई की गई है और इसमें काफ़ी शक्तियाँ हैं माता दुर्गा जी और शिव शंकर के यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति बनाई गई है और शंख देख सकते हैं साथ में रखे गए, त्रिशूल, और ये काफ़ी पवित्र स्थान है दोस्तों। तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो मौसम देखे ना, जो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जंगल काफ़ी घना है और घने जंगल के बीच बिल्कुल मंदिर है। तो यहाँ पे ठंड काफ़ी माहौल है, तो ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर आप जूते बाहर ही उतारे और विशेषतर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम आपको ऊपर एक मंदिर है वहाँ पे भी लेके जाएंगे अभी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ऊपर मंदिर लेके जाएंगे और जहाँ से ये पानी निकलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ये नदी बह रही है ये काफ़ी ऊपर से आ रही है और यहाँ पर एक मंदिर है। तो आइए, हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ठंड इतनी है दोस्तों, जब भी आप आइएगा और गरम गरम कपड़े पहनकर आइएगा, क्योंकि मैंने ये अभी एक्सचेंज कर लिया है दोस्त के साथ। तो मुझे इतनी ठंड लगी थी, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे बिल्कुल एकदम इतनी ठंड है, मैं ये कैमरा पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जब भी आप आइएगा पर गरम गरम कपड़े पहनकर आना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माता का मंदिर है, और ये आप देख सकते हैं ऊपर वाइट वाइट, ये इस टाइम अभी ये अभी बर्फ़ कुछ दिन पहले बर्फ़ गिरी थी, तो अभी इनका बर्फ़ यहाँ कुछ रह गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर जूते उतारकर आप अंदर दर्शन करने आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मंदिर बंद है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं। यहाँ पर बहुत हज़ार साल पहले साधु संत लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पे कुटिया बनी हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी जगहों पर आज भी ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देती है, देखने के लिए मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है। देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है, और बीच में तो इस जगह पर भी मंदिर बना था पहले, काफ़ी हज़ारों साल पहले, जबकि यहाँ पे अभी नहीं है। तो यहाँ पे भी महर्षि तपस्या करने आते थे। तो दोस्तों आगे जाके कुछ इस तरह का व्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ढंकार। तो यहाँ से बच पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये बिल्कुल घने जंगल के बीच है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों सनलाइट होने वाला है, और ये हो चुका है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम हम शांत सी जगह में हैं। थोड़ा सा आगे आके आप देख सकते हैं इतना बड़ा पत्थर है, और इस पत्थर के नीचे आप देख सकते हैं भाई साहब। तो आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? तो दोस्तों यदि आपको इस ब्लॉग में ज़रा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और वीडियो आगे शेयर कर दीजिए दोस्तों, करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग और अगली लोकेशन के साथ बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।